नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के लिए 22H2 अपडेट रिलीज कर दिया है और मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर। हो सकता है आपको भी ये अपडेट मिल गया हो और अगर नहीं मिला है तो थोड़े दिन बाद आपको मिल जाएगा। इस अपडेट के आने के बाद वैसे तो बहुत सारे फीचर मिले हैं अपने विंडोज 11 में, लेकिन ज्यादातर फीचर AI लैपटॉप के लिए हैं जो कोपायलट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है उसमें भी कुछ एडवांस फीचर ऐड हो गए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ फीचर तो ऐड हुए हैं। तो वो फीचर मैं आपको आज बताने वाला हूं क्या क्या इसमें ऐड हुआ है और आप अपने लैपटॉप में उसे देख सकते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये अपडेट आने के बाद आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी लाइट वेट हो गया है और आपका स्पेस वगैरह भी कम लेता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पास अगर एक नॉन AI लैपटॉप, नॉन कोपायलट लैपटॉप है तो उसमें आप विंडोज 11 24H2 के फीचर्स को कैसे देख सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं सभी को। तो दोस्तों, फाइनली हम सिस्टम पर आ चुके हैं और आप यहां पर देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे 24H2 विंडोज 11 अपडेट हो चुका है और ये है आज की डेट। तो अगर आपके सिस्टम में अभी तक अपडेट नहीं आया तो थोड़े दिन बाद ये अपडेट आ जाएगा और हो सकता है आपके पास आ भी चुका हो, आप एक बार चेक कर लेना। तो चलिए फीचर्स की बात करते हैं। जो सबसे पहले फीचर्स यहां पर देखने को मिला है वो है टास्क बार में मेनू स्क्रॉल का फीचर। यहां पर अगर आप पहले भी क्लिक करते थे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते थे, लेकिन अब यहां पर स्क्रॉल का ऑप्शन आ गया है। आप इसे अगर यहां पे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू यहां पे आपको मिल जाएगा और अगर आप माउस से थोड़ा सा रोल करेंगे तो भी आपको ये फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और अपने डेली वर्क को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे फीचर का बात करें तो दोस्तों, यहां पर आपको वाईफाई 7 का सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपके पास वाईफाई 7 एनेबल्ड लैपटॉप है तो वहां पर आपको वाईफाई 7 का ऑप्शन मिल जाता है। अभी तक इंडिया में बहुत सारे कम लैपटॉप या बहुत सारे कम हार्डवेयर के साथ ऐसे डिवाइसेस आए हैं जहां पर वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा डिवाइस है तो वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, तो वो है शो वाईफाई का फीचर। इससे पहले आप लैपटॉप में वाईफाई का पासवर्ड तो देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत शॉर्टकट दे दिया और इजी तरीके से यहाँ पर दे दिया। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और यहाँ पर वाईफाई में जाएंगे तो इसके अलावा यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो वाईफाई का फीचर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे से एडमिन पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसे डाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाईफाई का पासवर्ड दिख जाएगा और इसके अलावा यहाँ पे QR का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक नया फीचर ऐड हुआ है 22H2 में। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक लाइव कैप्शन का ऑप्शन ऐड किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे लाइव कैप्शन का ऑप्शन आता है। इसे आपको फर्स्ट ऑन करना पड़ेगा और इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था तो इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है और मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये उस केस में काफी ज्यादा यूजफुल है जब आप कहीं पर मल्टीनेशनल काम करते हैं और लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कोई मीटिंग में है, किसी भी अलग लैंग्वेज में मीटिंग चल रही है, उसे आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कैप्शन को यहां पर चेंज कर सकते हैं और वो कैप्शन आपकी लैंग्वेज में आ जाएगा। अभी वैसे तो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है यहां पर अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिले। तो ये कमाल का फीचर हो सकता है उनके लिए जो ज्यादा मल्टीपल काम करते हैं, मल्टीनेशनल काम करते हैं और उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम आती है जो ज्यादातर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग लैंग्वेज के लिए। तो वहां पर इस लैपटॉप में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसको यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट फीचर की बात करें जो खासकर लैपटॉप के लिए है, तो यहां पर आपको दिया गया है एनर्जी सेवर का ऑप्शन। अगर आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपका जो लैपटॉप की एनर्जी है वो काफी सेव होगी और यहां पर बहुत ही ज्यादा देर तक आपका लैपटॉप की बैटरी चल सकती है। अगर लाइट चली गई आपके घर में या कहीं पर आप बाहर काम कर रहे हैं तो इसे ऑन करके रखिए तो आपको ये काफी ज्यादा ऑप्शन देगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसे आप एडिट कर सकते हैं। वो एडिट करने से ये होगा कि अपने हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 20% बैटरी आए या 30% आए तो वो ऑटोमेटिक इस फीचर में चला जाए या इस तरह से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है दोस्तों वो फाइल मैनेजर का फीचर है। यहाँ पे आपने पहले भी देखा होगा कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को राइट क्लिक करते तो यहाँ पे ये सिंबल होते थे कट कॉपी पेस्ट रीनेम शेयर डिलीट का, लेकिन अब इनके साथ ये लिखा हुआ भी दिख रहा है। जब शुरू शुरू में विंडोज 11 आया था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी ढूंढने के लिए, लेकिन बाद में आदत पड़ गई। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि ये आइकन है, पहले सिर्फ आइकन होता था, अब इसके साथ यहाँ पे रिटर्न लिखा रहेगा जिससे कि आपको ये पहचानने में काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा इसी से जुड़ा नेक्स्ट फीचर है, आपको पता है किसी भी आप फाइल को किसी डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अब क्या है आप इसको बैक भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये डॉक्यूमेंट उठा के ये पीछे डालना है किसी भी फोल्डर में तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले ये इस तरह का नहीं होता था, पहले आप सिर्फ उस को डॉक्यूमेंट को आप आगे के फोल्डर में ही डाल सकते थे, लेकिन अब आप इसे आराम से आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो दोस्तों वो है सूडो का फीचर। सूडो मतलब होता है सुपर यूजर डू, जो कि आपको लिनक्स में देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप जाएंगे CMD में तो आपको वो फीचर यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूडो तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर बताएगा कि अभी तो डिसेबल है, लेकिन आप अगर इसे एनेबल करेंगे तो आप इसे यूज कर पाएंगे। एनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शन के अंदर इसे आप एनेबल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप इस फीचर को एनेबल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ये फीचर को एनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे डिसेबल करके रखता हूँ क्योंकि मुझे यूज नहीं करना है, अदरवाइज आप यहाँ से एनेबल करके इस फीचर को आराम से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज 11 के 24H2 में एक और फीचर दिया गया है, वो है कंपैरिजन का फीचर। यहाँ पे आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे कंप्रेस में सिर्फ जिप
7G तार ये पहले आता था, लेकिन अगर आप एडवांस फीचर पे काम करेंगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और अलग अलग मेथड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फॉर्मेट और मेथड अलग अलग है, इसे आप एडवांस इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर है दोस्तों जो कि AI लैपटॉप के लिए बनाए गए, जैसे कि AI रिजोल्यूशन, उसमें आपको किसी भी इमेज को रिजोल्यूशन उसका सेट कर देगा आपके अकॉर्डिंगली, आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंगली, और आप उसको आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर पेंट में भी दिया गया है, जहां पर पेंट को पूरी तरह से AI एनेबल्ड बना दिया गया है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वहां पे इरेज कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। इस तरह के फीचर आप यूज करके आप पेंट पे ही सारा काम कर सकते हैं, आपको अलग से किसी भी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली अगर आपके पास कोपायलट एनेबल्ड डिवाइस है और आपने 22H2 एनेबल कर लिया है, तो वहां पर आपके साथ होगा ये कि आपको किसी भी अदर टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप अलग अलग टूल को यूज करते हैं। आपको विंडोज 11 के 22H2 फीचर में ही सारे के सारे वो फीचर्स टूल्स मिल जाएंगे और उसी लैपटॉप से आप अपना सारा काम कर सकते हैं जो आज के टाइम पे जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा यहाँ पर और आपने देखा होगा कि कौन कौन से फीचर आपके काम आ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितने कमाल के फीचर आ रखे हैं 22H2 में, और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो इसे अपडेट कर लीजिए और आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास AI एनेबल्ड कोपायलट लैपटॉप है तो आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप है तो वहां पर भी आपको कुछ फीचर मिल सकते हैं। माना कि ये फीचर थोड़े से कम है लेकिन काफी यूजफुल फीचर्स है, और क्योंकि इस अपडेट को खासकर ध्यान में रखकर बनाया गया है AI एनेबल्ड लैपटॉप के लिए, तो इस वजह से हमें जो नॉर्मल लैपटॉप है उसमें थोड़े से कम फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फीचर भी मुझे लगता है काफी यूजफुल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।